हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अंशु आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जोरी गेमिंग में। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं लेके आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है रैंक सीजन माइनस होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको फिर से हीरोइक जाना है, फिर से रैंक पुश करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्त, वापस आ चुके हैं हम हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, जो पहली हाइडिंग प्लेस है वो है कोटाटुआ पे। जी हाँ दोस्तों, कोटाटुआ पे। पर मैं आपको बता देता हूँ इस तरह की हाइडिंग प्लेसेस का आपको यूज़ करनी है। तो दोस्तों, ये जो हाइडिंग प्लेस है, जब अगर आप स्क्वाड या डो गेम खेल रहे हैं और आपके टीममेट सारे ख़त्म हो गए, और अगर आपके सामने कोई स्क्वाड चली आती है, तो यहाँ पर आपके आके छुप जाना है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये जो टूटी फूटी हाउस है कोटाटुआ में, आपको इसी पे आना है। सिंपली अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक सीढ़ी जैसा। यहाँ पे देखिए, वो चिमनी टाइप का ऊपर है और यहाँ पे एक सीढ़ी टाइप का है। इस पर आपको सिंपली जंप करना है और यहाँ पे चले आना है। अरे रुको रुको, एक और बार। तो दोस्तों, यहाँ आपको आके छुप जाना है। अगर आपकी स्क्वाड पूरी खत्म हो गई है, और अगर आपको आपको कोई भी स्क्वाड यहाँ पे देख लेती है, या आप किसी स्क्वाड को देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आके छुप जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी अपनी पहली हाइडिंग प्लेस। अब चलते हैं दूसरी हाइडिंग प्लेस पर। तो दोस्तों, जो दूसरी हाइडिंग प्लेस है वो है अपनी पीक पे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप लोगों को लग रहा होगा, भाई क्या बोल रहे हो, पीक पे हाइडिंग प्लेस? जी हाँ दोस्तों, पीक पे, जहाँ पे पीक की बहुत सारे बंदे उतरते हैं, वहीं पे हाइडिंग प्लेस है। तो दोस्तों, आपको इस पीक के बड़े वाले घर पे आ जाना है इस, और आपको ये जो फ्रंट डोर है इससे अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक लूट, एक बॉक्स होगा वहाँ पे। तो आपको बॉक्स के अंदर सिंपली जंप करना है और उसके अंदर घुस जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा नहीं देख पाएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे तो आसानी से बंदे देख लेंगे, पर भाई मैं फुल प्रूफ्ड बता रहा हूँ, कोई बंदा आपको देख नहीं पाएगा। अगर अगर बाई चांस बंदा बिल्कुल बॉक्स के सामने आ गया, तो आपकी बेक या फिर आपका वेपन उसे दिख जाएगा और शायद उसे पता चल जाएगा। पर अगर वो बॉक्स के सामने आ जाता है, तो आप उसे आसानी से किल ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा, पर आपका ध्यान ज़रूर होगा उसके ऊपर। ओ भाई, एक बंदा दिख गया, इसको पेलते हैं जल्दी। भाई साहब, इसको पेल दिया भाई। तो ये थी अपनी दूसरी हाइडिंग प्लेस। अब चलते हैं अपनी तीसरे हाइडिंग प्लेस पर। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जो अपनी तीसरी हाइडिंग प्लेस है वो है सेंटोसा पे। तो दोस्तों, आपको सेंटोसा के बिल्कुल ये लास्ट एरिया में आ जाना है, और जो ब्रिज सेंटोसा से केप टाउन की ओर जाती है, उसी ब्रिज के पास आपको चले आना है। और सिंपली आपको ब्रिज के नीचे बिल्कुल चले जाना है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ आप यहाँ पे छुप सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अंदर आप चले जाएंगे, तो इस बॉक्स के अंदर आप चले जाएंगे इस तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तो कोई देख ही नहीं पाएगा, देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, ये थी अपनी तीसरी हाइडिंग प्लेस दोस्तों। तो अब चलते हैं अपनी चौथी हाइडिंग प्लेस पर। तो दोस्तों, जो अपनी चौथी हाइडिंग प्लेस है, ये भी है सेंटोसा पे। जी हाँ दोस्तों, सेंटोसा पे ही है अपनी चौथी हाइडिंग प्लेस। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ब्रिज मैंने आपको बताया था, जो केप टाउन की ओर जाती है सेंटोसा से, उसी ब्रिज से थोड़ा सा आगे चले आना है। देखिए, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा, और आपको सिंपली इस जगह पे जाना है और यहाँ पे जंप करना है। और ये देखिए, बिल्कुल रेयर हाइडिंग प्लेस है, बिल्कुल कोई आपको यहाँ पे नहीं देख पाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया हाइडिंग प्लेस है ये। ये थी अपनी चौथी हाइडिंग प्लेस दोस्तों। तो अब चलते हैं अपनी आखिरी हाइडिंग प्लेस पर। तो दोस्तों, वापस आ चुके हैं हम अपने वीडियो में, और आ चुके हैं अपने पांचवी हाइडिंग प्लेस पे। जी हाँ दोस्तों, जो पांचवी हाइडिंग प्लेस है वो है
शिपयार्ड पे, माफ़ कीजिएगा मैं सेंटोसा बोल रहा था, शिपयार्ड पे हैं जो अपनी आखिरी हाइडिंग प्लेस। तो आपको क्या करना है, प्लांटेशन पे चले आना है जहाँ पे दो एल रूफ्ड सेफ हाउस होंगे, उसके पास आपको चले आना है और आपको दिखेगा इस तरीके का वो लॉन्च पैड। तो दोस्तों आपको लॉन्च पैड पे चढ़ जाना है और वहाँ पे दिखेगा एक येलो टाइप का स्ट्रक्चर, वहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। और जब आप इस तरीके से चले आएंगे ऊपर, ओ भाई हम लैंड हो चुके हैं ऊपर। तो दोस्तों ये जो मैं काफ़ी लोगों को प्रिपेयर करता हूँ ये हाइडिंग प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप छुप नहीं सकते, यहाँ पे अगर सीपीआर पे बंदे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे किल भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं सीपीआर पे बहुत मैं ब्लू जोन भी बनता है, तो बंदे आते ही हैं लूट करने के लिए, तो यहाँ से आप आसानी से किल उठा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी 5 टॉप 5 हाइडिंग प्लेसेस। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अदर किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि हम दूसरा वीडियो किस कंटेंट पे बनाएंगे। तो दोस्तों बाय बाय, टाटा, सी यू।